आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फोर्स। फोर्स क्या होती है? अपुल और पुश। अगर हम किसी को धक्का देते हैं, किसी को अपनी खुशी से, इस द फोर्स। फोर्स लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है। जैसे बहुत एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, जैसे हम एक बैट से बॉल को हिट करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, राइट? चलिए भाई, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था ये ड्यू टू इंटरेक्शन, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के टच में आते हैं, ठीक है। देन नाउ फोर्स से क्या कह सकते हैं? फोर्स चेंज कर सकते स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, मोशन मतलब गति, गति को चेंज कर सकती है। जैसे बाय द हिटिंग, जैसे हम बॉल को हिट करते हैं, दूसरी साइड से हिट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, या फिर एक बॉल अगर धीमे धीमे जा रही है, उसे तेज़ी से हिट करते हैं तो फिर से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा है ना, छोटे छोटे बच्चे साइकिल का पहिया चलाते हैं तो बार बार उसको हिटिंग करते हैं, बार बार उसको प्रेस करते रहते हैं ताकि उसकी स्पीड बढ़ती रहे। इस टाइप बाय द फोर्स, वो बार बार क्या करते हैं, टायर पे फोर्स लगाते रहते हैं जिससे कि उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, ठीक है। फोर्स से हम स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक रबड़ है हमारे पास, रबड़ को हम स्ट्रेच करते हैं, पहले शॉर्ट फॉर्म थी फिर लॉन्ग फॉर्म हो जाती है, यस। डो, हम आटा लगाते हैं तो हम बाय द प्रेसिंग या बाय द पुशिंग हम डो की शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि प्रेस होने लायक है, ऐसा नहीं कि जिसमें फोर्स लगा के तो शेप को नहीं, सभी चीज़ों को हम फोर्स लगा के चेंज नहीं कर सकते। जो ठोस हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, उसे नहीं कर सकते, जो लेकिन सॉफ्ट हैं हम उन्हें ईजिली फोर्स लगा के उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो कॉन्टैक्ट्स में आने पर वर्क करती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। चलिए मस्कुलर फोर्स में, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, अच्छा आप किसी बुक को उठाते हैं, रखते हैं, आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं, तो आप करते क्या है, उसको पहले उसके टच में आते हैं, उसको खींचते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स आती कहाँ से है आपके हाथों में? फोर्स कहाँ से आई? यस, आपकी मसल से। और आपके मसल्स के अंदर वो फोर्स कहाँ से आती है? जिस फूड को आप खाते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी आपकी बॉडी में आपकी मसल्स को मिलती है जिससे कि वो वर्कआउट कर पाती हैं। दिस इज क्लियर? जैसे कि हम एक रोप को खींचते हैं, स्टिक की हेल्प से किसी चीज़ को बीट करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने हाथों का यूज़ करते हैं, हाथों से उस ऑब्जेक्ट को फिर फोर्स लगाते हैं। फोर्स कहाँ से आई? हमारी मसल से। इसे कहते हैं, इसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं, देखिए मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स यूज टू कैरी आउट मैनी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। चलिए अब ये फ्रिक्शन, अ ग्रेट टॉपिक, फ्रिक्शन है क्या? अच्छा आपने देखा, हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, चलते चलते वो ऑब्जेक्ट एकदम रुक जाता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होते होते वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। क्यों? मीन कोई तो अपोजिट फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को रोकने की कोशिश करती है, कोई तो फोर्स है, दिस इज़ अ फ्रिक्शन। यस, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कॉन्टैक्ट में आने पर अप्लाई होती है और हमेशा स्टेट ऑफ मोशन, जिस मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करती है। यस, तभी देखा साइकिल में जब हम पैडल मारते हैं थोड़ी देर में चले जाते, साइकिल धीरे धीरे स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है। बॉल को थ्रो आउट करते हैं तो बॉल पहले तेज होती है फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होनी शुरू होती है। क्यों? यही एक फोर्स है जो कि लगती है किस पर? मोशन के अगेंस्ट लगती है और किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करती है। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्लियर बच्चों? चलिए अब है नॉन कॉन्टैक्ट की, जो ऐसे जो कि बिना कॉन्टैक्ट के ही, हम बिना कॉन्टैक्ट के ही फोर्स हम पे अप्लाई होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, कभी आपने देखा है दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं, या फिर एक दूसरे को रिपेल, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। कोई तो फोर्स है जो बिना टच में हुए वर्क करे, दिस इज़ द मैग्नेटिक, मैग्नेट के अंदर एक फोर्स होती है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ओके, देखिए एग्जांपल भी दिखाया हुआ है ना, जैसे पास में लाते हुए दूर, एक्चुअली क्या होता है, मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं बेटा, एक होता है नॉर्थ एक होता है साउथ। ये याद रखना, जब मैग्नेट के सेम पोल को एक दूसरे के पास लाया जाता है, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो एक दूसरे को रिपेल यानी कि एक दूसरे से हट जाते हैं, और जब अपोजिट पोल जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, चलिए क्लियर बेटा, दिस इज़ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए भाई नेक्स्ट में हम, फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? चलिए हमने क्या किया, किसी, चलो हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं,
हमने अपने बालों को कॉम किया। कॉम करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े टेबल पे रखिए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े तोड़ के रखिए, बालों को कॉम करिए और उन पेपर्स के थोड़ा सा नज़दीक लेके जाइए। आप ये देखेंगे बिना टच किए हुए भी, बिना कॉम कागज़ के पास नहीं गया, फिर भी कागज़ उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं, मतलब रबिंग करने पर उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्रोड्यूस होता है। यस, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज भी, आपको पता है चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कभी देखा दो बलून को आपस में अगर रगड़ते हैं तो एक दूसरे से या तो पास आएंगे या दूर जाएंगे, क्योंकि रबिंग करने पर उसके अंदर एक पावर, एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो भी क्या है, द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, प्लस माइनस आपस में मूव करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर में कंडक्ट होती है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, दिस ग्रेट टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, जो आपको कभी दिखाई नहीं देती पर लगती है। सपोज़ करो आपने एक पेन लिया और थोड़ी हाइट पर जाने पर नीचे फेंका, कहाँ जाएगा, हमेशा ग्रेविटी अर्थ की ओर जाता है। मीन आप देखते हो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर किसी भी ऊंचाई से गिरता है तो हमेशा अर्थ की ओर ही जाता है। क्यों, इसका कारण क्या है? इसका रीज़न है ग्रेविटी। तो अर्थ के अंदर एक पावर है, जो जिस पावर के कारण, जिस एनर्जी के कारण वो हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, एक फोर्स है, दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी ध्यान दें, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर के थ्रो करोगे तो हमेशा हर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाता है, क्योंकि फोर्स एक अट्रैक्शन पावर है, जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो बिना टच किए हुए भी अप्लाई होती है, इन्हें कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे प्रेशर की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।